नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल होने लालकुआ दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के लालकुआ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि वर्षों पुरानी जमरानी बांध समस्या की केंद्रीय कैबिनेट में वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद तराई भाबर से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि पेयजल नलकूप और बिजली बनाए जाने से नैनीताल जिले समेत तराई के उधम सिंह नगर के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। देश के इतिहास और जोड़ दिया है। अरे आप हटाओ ना, आप जादू जादू को कभी तो जो काम मतलब वो भारत और दिवाली के बाद सीधे इसमें टेंडर लगेंगे जो जनवरी या फरवरी तक खुल जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो 50 साल से ज्यादा लंबे समय से मांग चल रही थी, लोगों की मांग थी, वो आज पूरी हुई है। इसमें बिजली बनेगी, इसमें पानी मिलेगा, इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और इसमें बरेली और रामपुर के लिए भी इससे लाभान्वित होगा। हमारा ये क्षेत्र तो होगा ही तराई का और भाबर का, उधम सिंह नगर और नैनीताल का मैदानी क्षेत्र, ये तो होना ही होना है। लेकिन बरेली के गंगेटियन क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र भी लाभान्वित होगा।